यानी जो भी पहले यात्री यहां से लेकर यहां तक जो है समुद्री यात्रा करने आते थे तो वो अपना हॉल्ट विश्राम कहां पर करते थे? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लोटस आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज या एक जैसे कह सकते हैं कुछ अलग टॉपिक जो है लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आज हम लोग ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित अफ्रीका महाद्वीप के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारा जो विषय रहेगा वो विषय रहेगा इस पूरे महाद्वीप को आखिरकार कम से कम समय में कैसे समझा जाए। तो एक प्रकार से यदि देखा जाए तो पूरे महाद्वीप को समझना है, हालांकि पूरे महाद्वीप को समझने के लिए तो समय कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कम से कम समय में इसको सारी चीज़ें कंक्लूड कर सकें। तो चलिए इस अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं, आखिरकार ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो पहले इसका एक डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, लगभग ठीक बना है। एक डायग्राम तो खैर कई बार बनाने हैं, इसके बाद फिर एक नेक्स्ट डायग्राम, कई सारी चीज़ें बताने हैं, तो मेरे ख्याल से लगभग ठीक बना है डायग्राम। चलिए आगे इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि विश्व के महाद्वीपों की बात की जाए तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। तो आज हमें जिस महाद्वीप को समझना है वह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। और सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से आज हम जिस महाद्वीप को समझने का प्रयास करेंगे उसका नाम है अफ्रीका। अब इस महाद्वीप के बारे में पढ़ाने से पहले कुछ बातें कहने का प्रयास करते हैं। ये वह महाद्वीप है जिसे कहा जाता है एक प्रकार से अंध महाद्वीप, यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से इसे एक प्रकार से पिछड़ा हुआ महाद्वीप कहा जाता है। आज भी इस महाद्वीप के बारे में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र माने जाते हैं जहां कहीं ना कहीं सामाजिक विकास, डेवलपमेंट, जिसे हम अर्थव्यवस्था की परिभाषा में जो भी कहें, कहीं ना कहीं कम माना जाता है। हालांकि यह केवल एक दृष्टिकोण है, जबकि अभी रिसेंट जो रिसर्च की जा रही है वो कई प्रकार के जो है जनजातियों के ऊपर और कई प्रकार के मानव जो वैज्ञानिकों ने, और वो रिसर्च में ये पाया कि अफ्रीका की कुछ जनजातियां जो अपने मूल आदिम स्वभाव में रहती है वो संसार के सबसे सुखद जो है समाजों में से एक है। तो इस बात का जो है फैसला वो आप लोगों को करना है कि आखिरकार डेवलपमेंट की परिभाषा क्या मानी जाए, सुखद होने की परिभाषा क्या मानी जाए, GDP मानी जाए, ग्रोथ मानी जाए, समृद्धि मानी जाए, ये एक अलग विषय है। पर मूल मुद्दा यह है कि हम अफ्रीका इस महाद्वीप के बारे में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसे एक प्रकार से अंध महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि
यह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ महाद्वीप के रूप में इसे रखा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य का विकास हुआ यानी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से लेकर जो आगे मानव का विकास हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं यहीं से ही जो है एक मानव जो है वो आगे बढ़ा और उसने मैदानी भागों में जाकर धीरे 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 मनुष्य की जो है सभ्यता का विकास करने का प्रयास किया। इस महाद्वीप के बारे में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो इस महाद्वीप के बारे में यदि बात की जाए अगले महत्वपूर्ण बिंदु की, तो ये इस महाद्वीप के बारे में यदि दूसरी महत्वपूर्ण बात की चर्चा की जाए तो आखिरकार यह एक जो है एक ग्लोब या हम जिसे कह सकते हैं पूरे विश्व का मानचित्र, पूरी पृथ्वी का मानचित्र जिस ग्लोब पर बनाया गया है, तो यह एक पूरी जो पृथ्वी है जिसका मानचित्र ग्लोब पर बनाया गया है, तो ग्लोब पर तीन काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। वैसे तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के रूप में काल्पनिक रेखाएं कई सारी खींची गई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण तीन काल्पनिक रेखाएं हैं जिसे हम कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के रूप में जानते हैं, यानी कि लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इन रेखाओं में जो महत्वपूर्ण रेखाओं के रूप में इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रूप के रूप में हम लोग जो रेखाएं समझते हैं, तो यह महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है विश्व का जिससे तीनों रेखाएं निकलती हैं। यदि यह बात की जाए इस महाद्वीप के बारे में, तो यह विश्व का एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे लगभग तीनों रेखाएं निकलती हैं, कुछ इस प्रकार से ये इसका ये जो है ये। तो इस महाद्वीप के बारे में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या समझना है? यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा निकलती हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या समझा जाए? तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु समझा जाए इसकी जो वाटर बॉडीज हैं और इसके आसपास की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह बात समझनी है कि ये जो महाद्वीप है आखिरकार इसके आसपास की जल राशियां कौन कौन सी हैं, वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है, यहां पर इसको थोड़ा सा और डायग्राम इसको आगे बढ़ाया जाए, ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा तुर्की और ये है हमारा ब्लैक सी, यानी इसे हम ब्लैक सी बोलते हैं, ये हमारा तुर्की है और इसी के पास ये हमारा ग्रीस है और फिर यहाँ से ये इटली और उसके बाद ये पुर्तगाल, ये स्पेन। तो यहाँ पर एक जल संधि है, यहाँ पर एक जल संधि है। तो सबसे पहले इसकी वाटर बॉडीज की यदि बात की जाए, कौन कौन सी इसकी महत्वपूर्ण वाटर बॉडीज हैं, यदि इनकी चर्चा की जाए तो देखा जाए कि इस महाद्वीप में कौन कौन सी महत्वपूर्ण वाटर बॉडीज हैं। तो ये जो नीले रंग का जो जल दिखाई दे रहा है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भूमध्य सागर। तो ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, जिसे हम मेडिटेरियन सी कहते हैं। इस महाद्वीप के पश्चिम में यहाँ पर कौन सा सागर है? इसे कहा जाता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लाल सागर, इसे कहा जाता है लाल सागर, रेड सी। और कुछ थोड़ा सा इस डायग्राम को इस प्रकार से और बनाने का प्रयास करते हैं, यानी यदि देखा जाए तो कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, इसे कहा जाता है
मोजाम्बिक चैनल, इसे क्या कहा जाता है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल। यहाँ पर मापुतो जो है एक महत्वपूर्ण मोजाम्बिक चैनल, इसे कहा जाता है। यह देश जो है मेडागास्कर है, मेडागास्कर। अब यदि बात की जाए कि इस महाद्वीप की वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं चारों तरफ, तो भूमध्य सागर, ये लिखा हुआ है भूमध्य सागर, कौन सा सागर है ये, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर ये सामने लिखा हुआ है। फिर इसके पूर्व में यहाँ कौन सा महासागर है, तो यहाँ पर जो है अटलांटिक महासागर है। और फिर इसके जो है इसके पश्चिम में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। लेकिन यदि इस महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, ये लिखा हुआ हिंद महासागर। यहाँ पर नीचे मोजाम्बिक चैनल है। और इस महाद्वीप के उत्तर पूर्व में कौन सा महासागर है, लाल सागर। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा सागर है, लाल सागर। तो ये कुछ वाटर बॉडीज बनाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ आपको यह बात भी समझनी है कि आखिरकार ये जो महाद्वीप है ये अन्य महाद्वीपों से कैसे अलग होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, ये यहाँ पर एक जलसंधि है, इसे कहा जाता है जिब्राल्टर जलसंधि। क्या कहा जाता है, जिब्राल्टर जलसंधि। याद रखना जिब्राल्टर जलसंधि एशिया, जिब्राल्टर जलसंधि जो है अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, की ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। क्योंकि आप देखिए इस अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता कौन सा है, जिब्राल्टर जलसंधि। तो जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है, जिब्राल्टर जो जलसंधि है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण जलसंधि है। क्योंकि यह जलसंधि अफ्रीका और यूरोप को क्या कर रही है, अलग कर रही है। यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है मोरक्को। कौन सा देश है, मोरक्को। और यहाँ पर एक देश है, यह है पुर्तगाल और यह है स्पेन। तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है कौन सी जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। उसके बाद आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, इसे कहा जाता है सिनाई प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है, सिनाई प्रायद्वीप। तो ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई पेनिनसुला है, इस सिनाई प्रायद्वीप से, ये जो सिनाई प्रायद्वीप है यहाँ से ये अफ्रीका महाद्वीप जो है वो एशिया से अलग होता है। तो ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, इस सिनाई प्रायद्वीप से अफ्रीका महाद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप से अफ्रीका महाद्वीप एशिया से अलग होता है। अफ्रीका महाद्वीप एशिया से अलग होता है, एशिया से अलग होता है। तो यहाँ पर सिनाई प्रायद्वीप, और इसी सिनाई प्रायद्वीप के पास में यहाँ पर जो खाड़ी है उसे अकाबा की खाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अकाबा की खाड़ी। तो यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, ये अकाबा की खाड़ी है, सिनाई प्रायद्वीप है। और इसके बगल में यहाँ पर कौन सी नहर है, इसे कहा जाता है स्वेज नहर। क्या कहा जाता है, इसे स्वेज नहर कहा जाता है। और ये स्वेज नहर क्या करती है, तो ये स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये स्वेज नहर क्या करती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यदि इस स्वेज नहर के एक डायग्राम को देखा जाए, तो मान लेते हैं ये स्वेज नहर है। तो इस स्वेज नहर का निर्माण जो है वो लगभग 1869 के आसपास एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, फर्दिनांड द लेप्स, उनके द्वारा कराया गया था। इस नहर को बनाने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा। और यह नहर बनने से इस पूरे समुद्री जलमार्ग में एक प्रकार से क्रांति या चमत्कार जैसा जो है परिवर्तन हुआ। क्योंकि इस यूरोप में इस पुर्तगाल से ये एक लंबा चक्कर लगाकर जब वास्को डिगामा केप ऑफ द गुड होप से होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, तो आप समझ पा रहे हैं यानी ये इतना लंबा जो चक्कर है 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा का, यही यदि यूरोप में जाना है और किसी एक वैकल्पिक मार्ग का चयन करना है, किसी शॉर्टकट मार्ग का, तो इस लाल सागर से होते हुए ये स्वेज नहर जो है इसके माध्यम से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से यूरोप। इसीलिए ये स्वेज नहर जो है विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नहरों में से एक है। बहुत ज़्यादा यहाँ से टैक्स प्राप्त होता है। आखिरकार 1970 यानी पहले यहाँ पर ब्रिटेन का अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1970 के बाद जो है इसका राष्ट्रीयकरण मिस्र ने कर दिया था। तो यहाँ पर मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो स्वेज नहर है, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण किनारे हैं, पोर्ट सईद, पोर्ट स्वेज, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। इसके बाद आपको याद रखना है कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण झीलें भी पाई जाती हैं, जिसे कहा जाता है टिमसा झील, लेक बिटर झील, लेक जो है बियर झील। तो ये
तीन महत्वपूर्ण इसी स्वेज नहर के किनारे झीलें पाई जाती हैं, जिसे हम क्या क्या कहते हैं, तिम्सा जो है झील, तिम्सा झील जिसे कहते हैं, इसे कहा जाता है लेक तिम्सा, क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है तिम्सा झील, लेक ग्रेट बिटर झील, ग्रेट ब्रिटर झील और ग्रेट बियर झील, इस प्रकार से तीन झीलें इसमें पाई जाती हैं। तो स्वेज नहर, इसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्देनान द लेप्स 1869 के आसपास, कुल लंबाई 168 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई 365 मीटर और लगभग 18 मीटर से ज़्यादा यह स्वेज नहर गहरी है। इस स्वेज नहर में दो किनारे हैं, पोर्ट सईद, पोर्ट स्वेज, इसके ही आसपास यानी इस जो नहर है इसमें कुछ झीलें पाई जाती हैं, तिम्सा झील, ग्रेट बिटर और ग्रेट बियर झील, इस प्रकार से जो है हमें स्वेज नहर के बारे में समझना है। इसी स्वेज नहर के पास ये क्या है, सिनाई प्रायद्वीप, इस सिनाई प्रायद्वीप से ये इसे क्या कहा जाता है, अरब प्रायद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप किसका हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है। तो सिनाई प्रायद्वीप से एशिया महाद्वीप अलग होता है किससे, अफ्रीका से, इसीलिए इस सिनाई प्रायद्वीप को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक जल संधि है, इस जल संधि को क्या कहा जाता है, बाब अल मंदेब जल संधि, क्या कहा जाता है इसे, बाब अल मंदेब जल संधि, और ये यमन, यहां पर कौन सा देश है, यमन, अफ्रीका का यहां जो है अरब प्रायद्वीप का यहां पर कौन सा देश है, यमन, यमन को यह यहां पर कौन सा देश है, जिबूती, कौन सा देश है, जिबूती, जिबूती, तो यमन और जिबूती को जो जल संधि अलग करती है उसे बाब अल मंदेब जल संधि कहते हैं, कौन सी जल संधि कहते हैं, बाब अल मंदेब जल संधि कहा जाता है, और अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है, यानी हिंद महासागर को लाल सागर से कोई जल संधि जोड़ती है, कोई स्ट्रेट जोड़ती है, तो उसका नाम है बाब अल मंदेब जल संधि, क्या कहा जाता है उसे, बाब अल मंदेब जल संधि। इसी के पास एक और जल संधि है, इसे कहा जाता है हार्मुज जल संधि, क्या कहा जाता है इसे, हार्मुज जल संधि कहा जाता है, और ये फारस की खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ पर्सिया है, ठीक है। यहाँ पर ईरान जो है एक महत्वपूर्ण देश है, इसी के नाम पर इसका फारस और इसी के नाम पर इसका जो है नाम पर्शिया पड़ा, कभी हम जब एशिया महाद्वीप पे आएंगे तब इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, बस आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हार्मुज जल संधि है, यहाँ पर बाब अल मंदेब जल संधि है। हमारा मेन मतलब आज बाब अल मंदेब जल संधि से है, क्योंकि ये जो जल संधि है ये एशिया और अफ्रीका इन दोनों को अलग कर रही है। यहाँ पर एक देश है यमन, यहाँ पर एक देश है जिबूती, तो यमन और जिबूती को अलग करती है, जबकि लाल सागर को यहाँ पर जो है अदन की खाड़ी से ये जल संधि जोड़ती है। तो इतनी बातें हम लोगों को यहाँ पर समझनी है। उसके बाद कुछ और इसकी अन्य बातों को समझा जाए, तो ये मेडागास्कर द्वीप है, और मेडागास्कर द्वीप कहीं ना कहीं इस पर फ्रांस जो है कई सालों तक उपनिवेश कॉलोनी रहा है, और मेडागास्कर को जाना जाता है बाओबाब, यानी एक वृक्ष पाया जाता है जिसका तना बड़ा मोटा होता है और उसके ऊपर एक सुंदर से जो है आकृति, तो बाओबाब के लिए ये मेडागास्कर जाया जाता है। हालांकि अफ्रीका में भी कई स्थान पे बाओबाब, और याद इस चीज को हमको विशेष रूप से समझना है कि ये बाओबाब जो वृक्ष होता है ये कहीं ना कहीं आदिवासियों का एक प्रकार से देवतत्व वाला, यानी वहां पर उनके कई प्रकार के जो है देवता इत्यादि निवास करते हैं, जल का भंडारण भी उस जो है वृक्ष में कई बार करते हैं, और कई बार निवास स्थान के लिए भी, यानी उसका तना इतना मोटा है कि उसमें छोटे छोटे घर बना के भी, यानी निवास के लिए भी जो है इस बाओबाब के जो वृक्ष है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेडागास्कर जो है किस लिए फेमस है, बाओबाब पेड़ के लिए। मेडागास्कर किस लिए फेमस था, फ्रांसीसी उपनिवेश के लिए। इसके अलावा यह जो मेडागास्कर देश है ये एक बहुत बड़ा जो है केंद्र रहा है पर्यटकों का, क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से बड़ा ही अच्छा ये द्वीप माना जाता है। ये मेडागास्कर कभी अफ्रीका का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 ये मेडागास्कर अफ्रीका से अलग हुआ, तो इसके बीच में एक चैनल पाया जाता है जिसे मोजाम्बिक चैनल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मोजाम्बिक चैनल, और इसी मोजाम्बिक चैनल के पास यहाँ पर मापूतो की खाड़ी स्थित है। कौन सी खाड़ी, मापूतो की खाड़ी स्थित है, और इसी मेडागास्कर के पास एक देश स्थित है, इसे कहा जाता है सेसेल्स, कौन सा देश कहा जाता है, सेसेल्स देश जो है कहा जाता है, और यहाँ पर एक देश स्थित है इसे कोमोरोस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोमोरोस कहा जाता है। तो सेसेल्स, कोमोरोस और इसी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक देश पाया जाता है इसे सकोट्रा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सकोट्रा
जो है ये द्वीप है, सगोत्रा द्वीप कहा जाता है, और इस साइड भारत में इस साइड आएंगे तो वहां फिर अलग जो है मॉरिशस इत्यादि ये देश पाए जाते हैं, तो मॉरिशस का भी नाम आप याद रख लेना। तो इस वाले भाग में कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों की यदि बात की जाए तो कौन कौन से महत्वपूर्ण द्वीप पाए जाते हैं, तो मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप इस क्षेत्र का, मेडागास्कर के बगल में मोजाम्बिक चैनल, इसके बगल में इसके बगल में मापूतो की खाड़ी, मापूतो की खाड़ी के बगल में यहां कोमोरोस द्वीप है, यहां पे सेसल्स द्वीप है, यहां पे सेकेट्रा सेकेट्रा जो है यहां पर ये द्वीप है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में। और इसके बाद जैसे ही हम मेडागास्कर के ऊपर जाएंगे तो यहां दो द्वीप मिलेंगे, एक का नाम है पेम्बा और दूसरे का नाम है जांजगीर। क्या नाम है? पेम्बा और जांजगीर। इनको लॉन्ग आइलैंड कहा जाता है, यहां पर लॉन्ग इलायची बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं, और कहा जाता है विश्व की 80% जो लौंग है उसका उत्पादन इन दो द्वीपों में होता है, जिसे जांजगीर और पेम्बा कहा जाता है, और इनका जो निर्यात किया जाता है यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, उसका नाम है दरे सलाम। क्या नाम है? यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसका नाम है दरे सलाम। दरे सलाम ये जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है, यहाँ से ये लौंग इलायची का निर्यात किया जाता है, जो कौन से द्वीपों में होते हैं, यहाँ पर कौन से दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं, एक का नाम है पेम्बा और दूसरे का नाम है जांजगीर। कौन से दो द्वीप हैं? पेम्बा और जांजगीर। इतनी बातों को हम लोगों को समझना है। तो यहाँ के हम लोगों ने कुछ द्वीपों को समझने का प्रयास किया, क्या मेडागास्कर, मेडागास्कर के बोल में क्या है? मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल के ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? मापूतो की खाड़ी, मापूतो की खाड़ी के पास क्या आ जाएगा? जांजगीर और पेम्बा, इन्हें क्या कहा जाता है? लॉन्ग आइलैंड। यहाँ पर लॉन्ग मसाले बहुत पैदा होते हैं, इनका निर्यात कहाँ से किया जाता है? दरे सलाम बंदरगाह से। और ऊपर जाएंगे तो कुछ हमें द्वीप मिलेंगे, कोमोरोस और सेसल्स, इसके और ऊपर जाएंगे तो सेकेत्रा ये द्वीप मिलेगा, ठीक है। और फिर इसके साइड भी और भी बहुत महत्वपूर्ण द्वीप हैं, लेकिन उनको हम फिर कभी समझेंगे जब एशिया महाद्वीप के पास आएंगे। और फिर अब मेडागास्कर से फिर दक्षिण की ओर आए, यानी मेडागास्कर से फिर दक्षिण की ओर आए, तो फिर यहाँ पर अगलुहास जो है एक जलधारा बहती है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर केपटाउन, इसके पास यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शहर है डरबन, डरबन के पास केपटाउन, केपटाउन से फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर एक देश आएगा जिसका नाम है अंगोला, यहाँ पर एक जलधारा बहती है जिसे बेंगोला जलधारा कहा जाता है। और फिर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एक देश आ जाएगा जिसे गैबन कहते हैं, गैबन से और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो है इसके बगल में कांगो, कांगो रिपब्लिक ये देश आ जाएगा, इसके यहाँ पर फिर आएंगे तो यहाँ पर एक देश आएगा नाइजीरिया, नाइजीरिया उसके बाद जो है बेनिन, टोगो, घाना कौन से देश आएंगे? बेनिन, टोगो, घाना, बेनिन, टोगो, घाना। यहाँ पर घाना जिसे गोल्ड कोस्ट कहा जाता है, घाना जिसे स्लेव, यहाँ पर दासों का व्यापार किया जाता था इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे गिनी का तट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे गिनी का तट भी कहा जाता है, इसे गिनी का तट भी कहा जाता है। उसके बाद जो है आगे के जो महत्वपूर्ण देश हैं इनमें सियरा लियोन, इसमें गुयाना, इसमें सेनेगल, सेनेगल यहाँ पर स्थित है, इसकी राजधानी जो है डकार है, और यहाँ पर जो है बुर्किना फासो। तो ये छोटे छोटे देश हैं और इन्हीं देशों के जो है इस तट को गिनी का तट कहा जाता है। और यहाँ पर एक वायु आकर बहती है जिसे हरमट्टन कहते हैं। ये हरमट्टन जो वायु है ये सहारा रेगिस्तान से जब यह आती है इस तट पर तो इसे गर्म और शुष्क वायु कहते हैं। यहाँ पर चूंकि गिनी के तट पे समुद्र के किनारे यहाँ पर उमस, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब ये गर्म और शुष्क वायु जब इस ओर आगे बहती है तो यहाँ पर मच्छर और छोटे मोटे जो कीटाणु हैं उनसे क्या मिलती है? निजात मिल जाती है, वो जो है दूर भाग जाते हैं, इसीलिए इसे डॉक्टर वायु भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे डॉक्टर वायु भी कहते हैं। ये गोल्ड कोस्ट जो है इस वाले पार्ट को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? घाना, याद रखेंगे यहाँ पर स्लेव, दासों का व्यापार किया जाता था प्राचीन काल में। दास जो है वो अफ्रीका से सबसे ज़्यादा जो है लाए जाते थे, दासों का निर्यात किया जाता था, और दासों की सबसे बड़ी मंडी कहाँ होती थी? अफ्रीका। क्योंकि आपको पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ, जो यानी एक प्रकार से कहा जाए शक्तिवान, ज़्यादातर लोग जो है इसी अफ्रीका महाद्वीप में जो है पाए जाते थे, इसलिए दासों की सबसे ज़्यादा जो बड़ी मंडी या दासों का सबसे ज़्यादा जो व्यापार किया जाता था वो इसी अफ्रीका से किया जाता था। और इसी में इसे गिनी वाला ये जो है जिसे हम कहते हैं गिनी का तट, इसी में घाना, गोल्ड कोस्ट, ये दासों के व्यापार के लिए काफ़ी
फेमस था। इस वाले क्षेत्र को साहिल क्षेत्र भी बोला जाता है, गरीब क्षेत्र है थोड़ा सा, साहिल क्षेत्र क्या कहा जाता है, साहिल क्षेत्र। तो सियरा लियोन, बुर्किना फ्रासोस, गिनी बिसाऊ, सेनेगल, सियरा लियोन जो है, इसके बाद तोसो, सेंट तोसो, गिनी बिसाऊ, सियरा लियोन, बेनिन, टोगो, घाना, ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ के देश हैं। पश्चिमी सहारा, इसके बाद आ जाएंगे मोरक्को, कौन सा देश है, मोरक्को। तो आपको याद रखना है मोरक्को की राजधानी है रबात, और मोरक्को के बारे में एक बिंदु ये भी याद रखना, इस मूर देश का निवासी था जिसका नाम था इब्न बतूता, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो हम इब्न बतूता को नहीं भूल सकते हैं जिसका संबंध मोरक्को इस मूर देश से था। ठीक है, मोरक्को की राजधानी रबात है और यहाँ पर एक पर्वतमाला पाई जाती है, इस पर्वतमाला को क्या कहा जाता है, एटलस पर्वतमाला, मोड़दार पर्वतमाला है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन है और इसी एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, माउंट टोबोकल। क्या नाम है, माउंट टोबोकल। फिर आगे बढ़े तो यहां पर कौन सा देश आ जाएगा, लीबिया। इसी के बगल में कौन सा देश आएगा, अल्जीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, इसी के बीच में यहां पर एक देश है, इसका नाम क्या है, ट्यूनिसिया। तो अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली और ट्यूनिशिया की राजधानी है ट्यूनिस। याद रखना अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनिशिया। ठीक है, जिसमें ये जो देश है अल्जीरिया और लीबिया, ये तेल के बहुत बड़े भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। किसका, इस वाले पार्ट में किसका महत्वपूर्ण जो है भंडार पाए जाते हैं, तेल, ऑयल, अल्जीरिया, लीबिया। ऊपर कौन सा देश है, ट्यूनिशिया। फिर आगे बढ़े तो कौन सा देश आ गया, मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। मिस्र का महत्वपूर्ण बंदरगाह क्या है, अलेक्जेंड्रिया। और फिर आपको याद रखना है मिस्र से भी तेल का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। तो ये जो मिस्र की राजधानी है काहिरा, ये किस नदी के किनारे स्थित है, कायरो जिसे कहते हैं, क्या कहा, किस नदी के किनारे स्थित है, नील नदी के किनारे। यहां पर कौन सी नदी बहती है, नील नदी, एक अलग डायग्राम इसको फिर से समझेंगे। तो यहां पर अभी मैं केवल कंट्री आपको आउटर लाइन की कंट्री बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो फिर यहां पर कौन सा देश आ गया, इजिप्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, मिस्र। गीजा के पिरामिड के बारे में किसने नहीं सुना होगा, ममियों के बारे में किसने नहीं सुना होगा। मिस्र को एक प्रकार से सभ्यता का पालना भी कहा जाता है क्योंकि इतिहासकार ने बहुत सारी बातें मिस्र के बारे में कही। आएंगे हम लोग अभी थोड़ी देर बाद मिस्र में। मिस्र के बाद यहां पर एक देश है सूडान। सूडान की सीमा लाल सागर से लगती है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, हालांकि मैं इसका जवाब दे रहा हूं, यस। सूडान के बाद यहां पर एक देश है, इसे कहा जाता है इरिट्रिया। इरिट्रिया के बाद यह जिबूती, जिबूती के बाद इथोपिया। इथोपिया की राजधानी क्या है, अदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी क्या है, अदिस अबाबा। यह है जिबूती। जिबूती के बाद यहां पर एक देश है जिसका नाम है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी क्या है, मेगादिशु। सोमालिया की राजधानी क्या है, मेगादिशु। और याद रखना सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है क्योंकि देखिए ये सींग जैसी आकृति, बैल के सींग जैसी आकृति यहां पर दिखाई दे रही है। तो इस वाले पार्ट को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जिसमें मूलतः तीन देश हैं लेकिन कुल चार देशों को शामिल करते हैं। कौन से चार देश हैं, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। कौन से चार देशों को शामिल करते हैं, इथोपिया सोमालिया जिबूती और इरिट्रिया। कौन से चार देशों को शामिल करते हैं, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। तो यह चीज याद रखेंगे, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और उसके बाद ये तीन देश, यानी यहां पर हो गया कौन सा देश था, मिस्र, इजिप्ट, इसके बाद सूडान, सूडान के बाद यहां पर देश था इरिट्रिया, जिबूती, फिर इथोपिया, फिर सोमालिया, इसके बाद यहां पर देश आ गया केन्या। कौन सा देश है ये, केन्या। केन्या के बारे में कौन नहीं जानता होगा, केन्या जिसे जाना जाता है मसाई मारा, केन्या जिसे जाना जाता है महत्वपूर्ण उद्यानों के लिए। केन्या यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है जो कंधे पे लाल लाल रंग का गमछा ओढ़ती है, वो और कोई नहीं मसाई मारा। ठीक है, बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर जानवरों को पाला जाता है केन्या। सेरेंग जो है विल्ड बीस्ट कई प्रकार के जो है यहाँ पर केन्या में। केन्या की राजधानी है नैरोबी। नैरोबी केन्या के बाद जो है यहाँ पर, इस केन्या के बाद यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी है ददोमा। तंजानिया की राजधानी है ददोमा। और फिर इसी के बाद जो है यहाँ पर मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी है मापूतो। और फिर इसके नीचे ये दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की जो वैधानिक राजधानी है वो है केप टाउन।
दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी क्या है? केप टाउन, क्योंकि संसद कहां पर स्थित है? केप टाउन में। दक्षिण अफ्रीका की जो न्यायिक राजधानी है उसका नाम है ब्लोइंग फाउंटेन। दक्षिण अफ्रीका की जुडिशियल कैपिटल कौन सी है? ब्लोइंग फाउंटेन। और दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण शहर है, इसका नाम है डर्बन। याद रखना, ये जो डर्बन है इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है अफ्रीका का फ्लोरिडा, क्योंकि यहां पर जो जलवायु पाई जाती है वो जलवायु कौन सी पाई जाती है? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जलवायु मेडिटेरियन जलवायु। ये जलवायु कैसी होती है? बड़ी सुखद होती है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक जलवायु होती है। लोग जो है इस जलवायु में घूमना जाना पसंद करते हैं, लोग इस जलवायु में यात्रा करना पसंद करते हैं। और इस जलवायु की विशेषता क्या होती है? विंटर रेनी समर ड्राई। इस जलवायु की क्या विशेषता होती है? विंटर में यानी सर्दियों में बारिश होती है, समर कैसा होता है? शुष्क होता है। यहाँ पर कैसे फल होते हैं? रसदार खट्टे फल, सिट्रिक एसिड वाले। और इसीलिए खाद्य प्रसंस्करण का महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गया है क्या? डर्बन। तो डर्बन में कौन सी महत्वपूर्ण जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरी जलवायु। यहाँ पर भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है, इसकी क्या विशेषता होती है? विंटर रेनी समर ड्राई। यहाँ पर कौन से फल होते हैं? रसदार खट्टे फल, जिसमें जैतून हो गया, जिसमें अंगूर हो गया, इसमें कई प्रकार के, इस प्रकार के जो है फल पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका डर्बन। इसी के पास एक शहर स्थित है, इसी के पास प्रिटोरिया। कौन सा शहर? प्रिटोरिया। ये भी दक्षिण अफ्रीका का महत्वपूर्ण शहर है। तो केप टाउन याद रखेंगे, प्रिटोरिया याद रखेंगे। यदि केप टाउन के बारे में बात की जाए तो याद रखना, इस केप टाउन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है इस दक्षिण अफ्रीका का। और इसी केप टाउन को कहा जाता है केप ऑफ द गुड होप। यानी जो भी पहले यात्री यहां से लेकर यहां तक जो है समुद्री यात्रा करने आते थे, तो वो अपना हॉल्ट विश्राम कहां पर करते थे? केप टाउन में, क्योंकि यहां पर जलवायु भी बहुत अच्छी है, इसीलिए इसे प्राकृतिक विश्राम गृह कहा जाता है। केप टाउन को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक विश्राम ग्रह। इसे नेचुरल हॉल्ट कहा जाता है। और आज भी बहुत सारे जहाज जब यहां से जाते हैं तो इसी केप टाउन में जाकर जरूर कहीं ना कहीं विश्राम करते हैं। तो केप टाउन महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में याद रखेंगे, केप ऑफ द गुड होप के बाद में याद रखेंगे। केप ऑफ द गुड होप के बगल में, यानी यहां पर क्या है? केप ऑफ द गुड होप है, यानी उसका नाम ही पड़ गया क्या? केप ऑफ द गुड होप। क्या नाम पड़ गया उसका? केप ऑफ द गुड होप। केप ऑफ द गुड होप उसका नाम ही पड़ गया, यानी वहां पर जाकर गुड होप यानी एक प्रकार से सुखद अनुभव होता है, इसीलिए इसका नाम केप ऑफ द गुड होप पड़ गया। इसी के पास दक्षिण, इस अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे कहा गया केप अगलुहास। क्या कहा गया? नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, केप अगलुहास। क्या कहा गया? केप अगलुहास। क्या कहा गया इसे? केप अगलुहास। और याद रखना, यहां पर एक जलधारा भी, एक करंट भी जो है, जलधारा भी बहती है, इसे अगलुहास जलधारा कहते हैं। क्या कहा जाता है? अगलुहास जलधारा कहते हैं। तो अगलुहास जलधारा याद रखनी है, केनारी जलधारा याद रखनी है, बेंगुला जलधारा याद रखना है। बेंगुला जलधारा जिसके कारण काला हरि मरुस्थल का निर्माण हुआ, अभी आएंगे इसके पास, केनारी जलधारा याद रखेंगे। यानी इस वाले पार्ट को तो हम लोगों ने समझने का पूरा प्रयास किया है। यहां पर क्या है? मोरक्को, मोरक्को, उसके बाद अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, लीबिया, फिर क्या यहां पर कौन सा देश है? मिस्र, इजिप्ट, फिर कहां पर आए? सूडान, सूडान के बाद इरिट्रिया, इरिट्रिया के बाद जिबूती, उसके नीचे कौन? इथोपिया, फिर कौन सा देश? सोमालिया, फिर कौन सा देश? केन्या, केन्या के नीचे फिर कौन सा देश? यहां पर तंजानिया, तंजानिया, तंजानिया के नीचे जो है कौन सा देश है यहां पर? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक देश, मोजाम्बिक के बाद फिर कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका। तो हो गए यहां के पूरे देश। अब आते हैं इस तरफ, नया डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बहुत ज्यादा जो है, नया डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, नया डायग्राम बनाते हैं। तो ये भारत और ये जो खाड़ी है जिसे हम कहते हैं, कौन सी खाड़ी? फारस की खाड़ी, पर्शियन। नीचे थोड़ी सी जगह कम है इसलिए डायग्राम उतना अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं डायग्राम ठीक ठाक बन जाए। चलिए ये तो देखिए, यहाँ पर कौन से देश हैं? इज़राइल। यहाँ पर कौन सा देश है? जॉर्डन। यहाँ पर कौन सा देश है? सीरिया। यहाँ भी भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है। ये ट्यूनेशिया और इसके आसपास के क्षेत्र में भी भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है। ये डर्बन और इसके आसपास के क्षेत्र में भी भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है। तो
इसको एक बार फिर से देखिए। अब मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा था, यानी इस वाले पार्ट को तो हमने समझ लिया था, यहां पर कौन सा देश है, मोरक्को, यहां पर कौन सा देश है, अल्जीरिया, यहां पर कौन सा देश है, यहां पर कौन सा देश है, ट्यूनिसिया, यहां पर कौन सा देश है, लीबिया, लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली, यहां पर कौन सा देश है, इजिप्ट, इसे क्या कहा जाता है, मिस्र, इसकी राजधानी क्या है, कैरो, यहां पर कौन सा देश है, सूडान, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तून, सूडान के नीचे यहां कौन सा देश है, इरिट्रिया, इरिट्रिया के बगल में यहां कौन सा देश है, जिबूती, जिबूती के बगल में यहां कौन सा देश है, सोमालिया, यहां पर कौन सा देश है, इथियोपिया, फिर नीचे आएंगे कौन सा देश है, केन्या, केन्या के नीचे कौन सा देश है, तंजानिया, राजधानी क्या है, ददोमा, फिर कौन सा देश है, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, मापूतो, फिर कौन सा देश आ गया, दक्षिण अफ्रीका। इतनी हमने चीजें पढ़ ली थी। अब यहां पर कौन सा देश है, नामीबिया, कौन सा देश है, नामीबिया, नामीबिया जो देश है, नामिब, यहां पर एक मरुस्थल है, इसका नाम कहा जाता है नामिब मरुस्थल। इस नामिब जो मरुस्थल है, यहां पर इस नामिब मरुस्थल को बनाने में किसका योगदान रहा है, बेंगुला जलधारा का। कौन सी जलधारा का यहां पर महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो यहां पर जिस जलधारा का, ठंडी जलधारा बहती है, तो आप इस चीज का भी जवाब देने का प्रयास करना, जितने भी महाद्वीप हैं, यानी इससे पहले जब दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा था तो उसमें हमने फॉकलैंड, एक जलधारा फॉकलैंड के पास, फॉकलैंड की जलधारा के पढ़ने का प्रयास किया था, उसके बगल में वहां पर पैटागोनिया का पठार था, तो वो भी एक शुष्क क्षेत्र है, और उसी के उसके और आगे हम लोग जाएंगे पश्चिमी क्षेत्र में आटाकामा का मरुस्थल, तो वहां पर भी जो है मरुस्थल क्यों डेवलप हुआ, यानी अधिकांश मरुस्थल जो है वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्यों बने, इसका आंसर जो है देने का आप प्रयास करना, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको दूंगा। दूसरी चीज, इसी पे हम और आगे जाएंगे तो यहां पे कौन सी जलधारा मिलेगी, कैनारी जलधारा, ठीक है, कैनारी जलधारा, आगे जाके गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, वो सब भी कहानी आपस में जुड़ी हुई है, उनको भी कभी चर्चा करेंगे। तो यहां पर कौन सा देश है, नामीबिया, नामीबिया में कौन सा मरुस्थल है, नामिब मरुस्थल, कैसे निर्माण हुआ है, इस बेंगुला जलधारा के कारण, कौन सी जलधारा के कारण, बेंगुला जलधारा। इस नामिब मरुस्थल के पास कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार नामीबिया और बोत्सवाना में पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार, यहां पर कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, तो कालाहारी जो मरुस्थल है इसका विस्तार कहां पाया जाता है, नामीबिया और बोत्सवाना में। याद रखना, कालाहारी मरुस्थल में जो सबसे बड़ा पक्षी पाया जाता है विश्व का, जिसका नाम है शुतुरमुर्ग, इसे ऑस्ट्रिच कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जो एग पाया जाता है वो भी जो है, जो सेल जिसके कहा जाता है वो भी इस शुतुरमुर्ग के रूप में। कालाहारी में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम क्या है, बुशमैन, क्या नाम है उस जनजाति का, बुशमैन, ये कालाहारी में जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा थोड़ा सा जो है कालाहारी बोत्सवाना, यहां पर एक महत्वपूर्ण नदी भी बहती है, इसे अकाबांगो नदी कहा जाता है, अकाबांगो नदी, यानी वो समुद्र जो मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाती है, वो समुद्र में नहीं जा पाती है, जैसे आपने भारत में लूनी नदी के बारे में सुना होगा, तो इस प्रकार से अकाबांगो रबर जो है उसके ऊपर यहां एक देश है अंगोला, अंगोला, अंगोला के बाद यहां ही अंगोला से ही यहां अंगोला देश है, और इसी की यहां पर दो देश है, एक का नाम है कांगो और एक का नाम है कांगो रिपब्लिक। तो कांगो रिपब्लिक, कांगो जो देश है, यहां पर एक महत्वपूर्ण नदी बहती है कांगो या जायरे, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले यहां के देशों के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद नाइजर, उसके बाद टोगो, बेनिन, घाना, बुर्किना जो है, बुर्किनो फासो, और फिर यहां पर जो है देश है, यानी यहां पर जो सियेरा लियोन, गिनी बिसाऊ, इस प्रकार से ये जो है सैन थोमो, इस ये देश है यहां पर, सैन थोमो, सियेरा लियोन, गिनी बिसाऊ, और फिर यहां पर जो देश है इसका नाम है सेनेगल, और इसके बाद पश्चिमी सहारा। तो ये पश्चिमी सहारा के बाद कौन सा देश आ जाएगा, मोरक्को। तो ये हो गए हमारे पूर्व के सारे देश। तो इस प्रकार से अफ्रीका के सारे देशों के बारे में ना यदि याद हो, यानी 55 देश याद ना हो सके, तो कम से कम बाउंड्री वाले देश जरूर याद हो जाए, ठीक है। कौन कौन से देश याद होना चाहिए, मोरक्को, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, उसके बाद इरिट्रिया, उसके बाद जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, नाइजीरिया, और फिर ये छोटे छोटे देश, इसमें आपको टोगो, बेनिन, घाना, ये तीन, बुर्किना फासो, सेंट थोमे, ये सेनेगल, ये कुछ महत्वपूर्ण देश याद रहने चाहिए।
अब और देशों की बात करें तो और कौन सा महत्वपूर्ण देश, यहां पर एक देश है चाड, यहां सूडान का विभाजन हो गया, दक्षिणी सूडान यानी सूडान में उत्तरी सूडान जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, दक्षिणी सूडान जो था वो ईसाई बाहुल्य क्षेत्र था, तो 2010-11 में सूडान का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, तो दक्षिणी सूडान राजधानी उसकी हूसा, यहां पर देश कौन सा है चाड। इसी प्रकार यहां पर एक देश है कैमरून, कैमरून देश, तो माली मारिटानिया चाड नाइजर, यहां पर एक देश है कौन सा, नाइजर, तो ये माली मारिटानिया नाइजर ये कुछ अन्य देश है। यहां पर कुछ देश की बात करें तो युगांडा तंजानिया केन्या, यहां पर कौन से देश हैं, युगांडा तंजानिया केन्या, केन्या के बारे में बता दिया, यहां पर कौन देश है, जिम्बाब्वे जाम्बिया, जिम्बाब्वे जाम्बिया। तो इस प्रकार से लगभग अफ्रीका के सारे देशों के बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया। क्वेश्चन आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो कर्क रेखा है ये अफ्रीका में कौन कौन से देशों से होकर निकलती है, ये जो विषुवत रेखा है ये अफ्रीका में कौन कौन से देशों से होकर निकलती है, ये जो मकर रेखा है ये अफ्रीका में कौन कौन से देशों से होकर निकलती है, और ये जो विश्व की मानक समय रेखा है ZMT ये कहाँ से होकर निकलती है, इसका भी जो है आंसर पता होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने लगभग पढ़ा, अब उसके बाद इस महाद्वीप की कुछ भौगोलिक विशेषताओं को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस महाद्वीप की यदि भौगोलिक विशेषताओं को समझा जाए तो यहाँ पर एक महान भ्रंश घाटी पाई जाती है, तो महान भ्रंश घाटी को समझने का प्रयास करते हैं। तो महान भ्रंश घाटी पाई जाती है इस महाद्वीप में, वो महान भ्रंश घाटी उसका विस्तार लगातार हो रहा है, अभी भी उसका विस्तार जारी है। यदि बात की जाए महान भ्रंश घाटी की तो महान भ्रंश घाटी कुछ इस प्रकार से है, यानी ये महान भ्रंश घाटी और इस प्रकार से यहां पर एक झील है इसका नाम है मलावी, तो मलावी झील तक इस भ्रंश घाटी मलावी या न्यासा। यहां आपको जो बात समझनी है, ये जो भ्रंश घाटी है ये दरअसल पूरी पृथ्वी जो है उसे क्रस्ट मेंटल कोर में बांटा गया है, तो 30 किलोमीटर के नीचे जब लगभग 150 से 200 किलोमीटर के आसपास जाएंगे तो एक कठोर चट्टाने ठोस जिसे हम प्लेट कहते हैं, तो पूरी पृथ्वी पर जो है इनको प्लेटों में बांटा गया है, यानी 7 जो है, वैसे तो 6 की संख्या ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, 6 बड़ी प्लेट और 21 छोटी प्लेट के रूप में, उन्हीं में ही ये एक प्लेट है, इसे अफ्रीकन प्लेट कह रहे हैं। तो ये प्लेट आपस नीचे क्या हो रही है, गल रही है, धीरे धीरे ये प्लेट क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है और एक साल में कुछ सेंटीमीटर दूर जा रही है, तो कुछ हजार सालों में क्या होगा, अफ्रीका का यह हिस्सा अलग हो जाएगा, जैसे ये मेडागास्कर अफ्रीका का हिस्सा था, ये धीरे धीरे अफ्रीका से अलग हो गया, जैसे पहले ये पूरा अफ्रीका जो है ये एक प्रकार से क्या था, एक पेंजिया था, पेंजिया का विभाजन हुआ तो इस वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, इसी गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका बना, इसी गोंडवाना लैंड से क्या बना, अफ्रीका बना, और इसी गोंडवाना लैंड से ही जब अफ्रीका बना तो इसका एक हिस्सा धीरे 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 अलग हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपी भारत का हिस्सा। तो इस प्रकार से ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो महान भ्रंश घाटी, कहीं ना कहीं प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने का परिणाम है। तो भ्रंश घाटी भारत में भी पाई जाती है, नर्मदा ताप्ती नदियां जहां बहती हैं वहां भी, यानी भ्रंश घाटी क्या है, जमीन से थोड़ा सा आधार तल क्या होगा, नीचे होगा, तो पानी की जो है स्थिति क्या होती है, पानी कहां जाना चाहेगा, जहां आधार तल कम होगा, जहां आधार तल सबसे कम होगा पानी वहीं जाना चाहेगा। तो ये भ्रंश घाटी कैसा स्थान है, निचला स्थान है, इसलिए यहां पर क्या हुआ, कई सारी झीलों का निर्माण हुआ, जब कई सारी झीलों का निर्माण हुआ तो निश्चित रूप से यहां से नदियां भी यहां से बहेंगी। तो इनको देखने का प्रयास करते हैं, इस महान भ्रंश घाटी में कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, जैसे कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, जैसे एल्बर्ट एडवर्ड कीबू, टंगानिका मलावी, और एल्बर्ट एडवर्ड
कीबू, टंगानिका, मलावी, इसके बाद जो है यहाँ पर एक झील है इसे कहा जाता है ताना झील, यहाँ पर एक झील है इसे कहा जाता है तुरकाना झील, तुरकाना, यहाँ एक झील है इसे कहा जाता है असल झील, इसे कहा जाता है असल, याद रखिए ये असल झील जो है अफ्रीका का सबसे निम्नतम स्थान है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निम्नतम स्थान है, गहनतम स्थान है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निम्नतम स्थान है, निम्नतम स्थान है असल झील। तो असल झील, ताना झील, तुरकाना झील, रुडोल्फ झील, ये कौन सी झील है? रुडोल्फ झील। तो इतनी झीलें महान भ्रंश घाटी में है, कौन सी? एडवर्ड, कीबू, टंगानिका, मलावी, रुडोल्फ, ताना, तुरकाना, असल, और यहां एक झील है जो आपको याद रखनी है, जो भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस झील का नाम है विक्टोरिया। क्या नाम है इस झील का? इस झील का नाम है लेक विक्टोरिया। ये जो विक्टोरिया झील है, यहां से आपको याद रखना है, इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, इसको कहते हैं नाइल रिवर, नील नदी। तो आपको सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है, ये विक्टोरिया झील से एक रेखा निकलती है, जैसे हम ये थोड़ा सा और पार्ट नीचे होगा, तो यहाँ से एक रेखा निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, तो विषुवत रेखा इस प्रकार से, यानी ये पार्ट थोड़ा सा और नीचे होगा, तो इसको बना ही लेते हैं थोड़ा सा नीचे, यानी ये इस प्रकार से होगा, थोड़ा सा इस प्रकार से होगा, ये यदि इस प्रकार से तो यहाँ पर जो झील है, यहाँ से कौन सी रेखा निकल रही है? विषुवत रेखा। ये कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। ये महान जो भ्रंश घाटी है, इस महान भ्रंश घाटी में इस अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं, लेकिन विक्टोरिया झील महान भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है, सुपीरियर झील के बाद इसे दूसरी सबसे बड़ी झील कहा जाता है, यहाँ से विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है जिसका नाम है नाइल रिवर। वो नील नदी जो यहाँ से निकलती है उसे नाम दिया जाता है श्वेत नील। क्या नाम दिया जाता है उसे? उसे नाम दिया जाता है श्वेत नील, व्हाइट नील। और यहाँ पर ताना, इथोपिया के पास ताना, तुरकाना के पास ताना झील से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है ब्लू नाइल। क्या कहा जाता है इसे? ब्लू, और इसे कहा जाता है व्हाइट। ये दोनों कहाँ मिलती हैं? खारतून में। सूडान की राजधानी क्या है? खारतून। और उसके बाद यहाँ पर जो है नासिर झील, और जो है असल बांध से होते हुए यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। क्या नाम है उसका? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह से होते हुए ये नदी जो है एक डेल्टा का निर्माण करते हुए इस भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि नील नदी कौन से डेल्टा का निर्माण करती हैं? पंजाकार, पक्षीकार, चापाकार? ठीक है, तो पंजाकार जो है, इस प्रकार से ये डेल्टा जो है ये नील नदी निर्माण करती है। और आप देखिए कि सारी झीलें लगभग इसी सीध में ही हैं, यानी ये नील नदी, उसके बाद ये विक्टोरिया, उसके बाद ये मलावी, इसी इसके ऊपर ये टंगानिका, और ये एडवर्ड कीबू, और यहाँ पर रुडोल्फ। तो इस प्रकार से जो है ये महत्वपूर्ण अफ्रीका की भ्रंश घाटी में पाई जाने वाली झीलें हैं, और इसमें ये जो नदी है जो विक्टोरिया झील से निकलती है जिसे हम नील नदी कहते हैं, और वो जो धारा निकलती है उसे व्हाइट नाइल कहा जाता है, और यहीं पर जो है इथोपिया के पास से इसमें एक और धारा आकर मिलती है जिसे कहा जाता है ब्लू नाइल। ये दोनों धाराएं कहाँ मिलती हैं? सूडान के खारतून में। उसके बाद ये नदी और आगे बढ़ती है, नासिर झील आसवन बांध का निर्माण करते हुए, नासिर झील आसवन बांध का निर्माण करते हुए ये नदी जो है भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। यहाँ मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन एक इतिहासकार थे जिनका नाम था हेरोडोटस, उन्होंने इस नील नदी को मिस्र का वरदान कहा।
उन्होंने इस नील नदी को मिस्र का वरदान कहा, आखिरकार ऐसा क्यों? तो उसका आप कारण समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में लगभग जो है विश्व के 8%, विश्व का लगभग 8%, यानी कि यदि बात की जाए तो लगभग जो है वो एक प्रकार से 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो है इस अफ्रीका महाद्वीप का पूरा क्षेत्रफल है, उसका यदि बात की जाए तो लगभग 90 लाख जो है स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में ये मरुस्थल फैला हुआ है, जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। और ये जो सहारा मरुस्थल है, इसकी सीमा लगभग 13 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? 13 देशों से सहारा मरुस्थल की सीमाएं लगती है। क्योंकि यदि इस उत्तरी अफ्रीका का बात देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र मरुस्थल है, और इस मरुस्थल के एक छोटा सा यहां भी ईस्टर्न मरुस्थल है, इस वाले पार्ट, ये भी पार्ट सूखा पार्ट है इथोपिया और इसके आसपास, यहां भी सिर्फ जो है चरागाह कैटल इत्यादि वाला क्षेत्र ही विकसित हुआ है। केवल ये पार्ट ये जो है थोड़ा सा हरा भरा है, वो नील नदी के कारण। इसीलिए इतिहासकार हेरोडोटस ने इस नील नदी को मिस्र का वरदान कहा है, और नील नदी की लोगों ने इतनी पूजा की, यानी नील नदी जो है वो एक प्रकार से सभ्यता का, एक प्रकार से कहा जाए कि शुरुआत जो है विश्व में जो सभ्यताएं पनपी, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि दजला और फरात नदियों के जो है संगम पे, दजला और फरात नदियों के जो है वो मुहाने पर, दजला और फरात नदियों के किनारे पर मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, ठीक इसी प्रकार ये जो मिस्र की सभ्यता है ये नील नदी के किनारे विकसित हुई। इसी प्रकार चीन की सभ्यता यदि बात की जाए तो ह्वांगो यांग्ती सिक्यांग, ह्वांगो नदी इसे के बारे में डिटेल में बाद में देखेंगे, ह्वांगो नदी यांग्ती सिक्यांग, यहां पर चीन की सभ्यता विकसित हुई। तो यही तो विश्व की कुछ सभ्यताएं थी, और उसमें नील नदी की लोग पूजा करते थे। और यहां पर विश्व के सबसे बड़े नाइल क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, सबसे लंबे मगरमच्छ, जिनकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। और यहां पर इस नील नदी के किनारे जो है चावल की बड़ी मात्रा में खेती की जाती है, कपास की बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। कहा जाता है विश्व के सबसे लंबे अच्छे रेशे वाले जो कपास है वो नील नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि चावल अच्छी क्वालिटी का जो राइस है वो भी नील नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा अन्य फसलें भी यहां उत्पादित की जाती हैं। लेकिन जो यहां सभ्यता विकसित हुई, उस सभ्यता ने कहीं ना कहीं इस नदी को एक प्रकार से देवत्व के रूप में भी स्थापित किया है। और हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो जाएगा। लेकिन आप मिस्र के सभ्यता के लोगों को देखना, तो वे एक प्रकार का ऐसा वस्त्र पहनते हैं, यहां पर उनके नाक पे कुछ धारियां होंगी, और फिर उन्होंने जो है उनके कुछ देवता, यानी जब उस समय की बात की जाए तो उन सब में कहीं ना कहीं नील नदी जो है उसका नाम आ जाता है, उसको कभी हम और डिटेल में समझेंगे। तो यहां पर नील नदी जिसके इतिहास, जिसे हेरोडोटस ने इसे मिस्र का वरदान कहा, उसके बाद यहां पर कौन से दो महत्वपूर्ण इसमें याद रखेंगे, नासिर बांध और नासिर झील और आसवान बांध, इस नील नदी में नासिर झील और आसवान बांध को याद रखेंगे। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, इसका नाम है, यहां पर एक पर्वत इसे कहा जाता है कटंगा, याद रखना ये जो कटंगा पहाड़ है ये मिनरल्स के दृष्टिकोण से, खनिजों की दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण पठार है। कटंगा जो पठार है, इसी के बगल में एक पठार है, इसे मुतुम्बा, क्या कहा जाता है, मितुम्बा पठार, क्या कहा जाता है इसे, मितुम्बा जो है पठार कहा जाता है। और इसी कटंगा के पठार के बगल में, इसी मुतुम्बा पठार से एक नदी निकलती है, इसका नाम है कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी इस अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कांगो या जायरे नदी विश्व में सबसे ज्यादा जल विद्युत, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर जो है उसकी कैपेसिटी, जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता वाली नदी है। कांगो या जायरे नदी एक विविध प्रकार की मछलियां, यानी कई प्रकार की विश्व में ऐसी प्रजातियां कहीं नहीं मिलती हैं, वो कांगो या जायरे नदी में इस प्रकार की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। कांगो या जायरे नदी जो है इसमें कई प्रकार की नदियां आपस में मिलती हैं, लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी, इसका नाम है कसाई नदी। क्या नाम है? कसाई नदी। कांगो या जो जायरे नदी है, ये कांगो या जो जायरे नदी है, इस नदी के बारे में यदि चर्चा की जाए तो यहां पर एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है, इसका नाम है स्टेनले जलप्रपात। क्या नाम है इस जलप्रपात का? यहां पर एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है, स्टेनले जलप्रपात। स्टेनले जलप्रपात
इस कांगो या जायरे नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, इसका नाम है कसाई नदी। कौन सी नदी? कसाई नदी। तो कसाई इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। स्टेनले जलप्रपात, बायोमा जलप्रपात, लिविंग स्टोन जलप्रपात। तो कुछ जलप्रपातों के नाम यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए यहाँ पर बायोमा जलप्रपात, बायोमा जलप्रपात, लिविंग स्टोन जलप्रपात, बायोमा वाटरफॉल, बायोमा जलप्रपात और लिविंग स्टोन जलप्रपात, लिविंग स्टोन जलप्रपात, लिविंग स्टोन जलप्रपात। तो ये और कौन सा जलप्रपात? स्टेनले जलप्रपात। तो इतना जो है इस महत्वपूर्ण नदी यानी कांगो या जायरे नदी के बारे में इतनी बातें याद रखेंगे। कांगो रिपब्लिक और कांगो दो देशों से होकर बहती है और कांगो की जो राजधानी है जिसे कहा जाता है किनशासा, किनशासा। तो ये नदी किनशासा और ब्राजीविले से भी होकर बहती है। कहाँ से होकर बहती है? किनशासा, किनशासा और ब्राजीविले के समीप जो है, ब्राजीविले के समीप होकर, ब्राजीविले के समीप होकर बहती है ये नदी कांगो या जायरे नदी। अति महत्वपूर्ण नदी है, विषुवत रेखा को दो बार काटती है। कसाई इसकी सहायक नदी है। स्टेनले जलप्रपात, लिविंग स्टोन जलप्रपात, बायोमा जलप्रपात जो है इस नदी पर स्थित है। मितुम्बा पर्वत, कटंगा पठार, कटंगा पठार विश्व में सबसे ज्यादा यहां पर यानी सबसे ज्यादा खनिज जो है, यानी यहां पे खनिजों का विशाल भंडार पाए जाते हैं कटंगा पठार में। मितुम्बा पर्वत, यहां से ये कांगो या जायरे नदी निकलती है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है। गिनी की खाड़ी के पास जाकर यह नदी गिर जाती है। इस बात को आपको विशेष रूप से समझना है। ये जो चूंकि यहां पर यह विषुवत रेखा निकल रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ वर्षा वन पाए जाएंगे और वर्षा वन पाए जाएंगे तो यहाँ साल के 12 महीने वर्षा होगी। साल के 12 महीने वर्षा होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? तो यहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाएगी। इस चीज को हमको विशेष रूप से समझना है। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे जो साल भर कैसे रहते हैं? हरे। इसीलिए ये वाला जो पार्ट है अफ्रीका का, ये सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है। कैसा पार्ट है? बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है। कांगो को वनों का देश भी कहते हैं। कांगो जो है इसे वनों का देश भी कहते हैं। कांगो को दो जो है कंट्री ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक बड़ा ही जो है शर्मीला प्रजाति का सांप पाया जाता है, इसे कहा जाता है गैबून बाइपर। क्या कहा जाता है इसे? गैबून। तो ये जो गैबून जो है इस यहाँ के वनों में पाए जाने वाला एक बहुत ही जिसे कहा जाता है यानी थोड़ा सा आलसी स्वभाव का होता है, शर्मीला स्वभाव का होता है, लेकिन बहुत बड़े जो है उसके विषदंत होते हैं और बड़ी मात्रा में जो है वो जहर की मात्रा जो है उसके अंदर होती है। तो इतनी बातें हम लोगों को समझना है। दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी महत्वपूर्ण नदी? जैम्बेजी। तो ये कटंगा पठार के ही इसी के ही दक्षिण से यहाँ ये जो नदी निकलती है इसे क्या कहा जाता है? जैम्बेजी नदी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैम्बेजी नदी। और ये जैम्बेजी नदी जो है इसमें आपको विशेष रूप से याद रखना है कि इस जैम्बेजी नदी जो कि मोजाम्बिक चैनल में जाकर ये जैम्बेजी नदी गिरती है, करीबा बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा बांध पाया जाता है? करीबा बांध। जैम्बेजी नदी में कौन सा बांध पाया जाता है? तो यहाँ पर लिख देता हूँ करीबा बांध। करीबा बांध जो है जैम्बेजी नदी में पाया जाता है। और यहाँ एक विश्व का सबसे फेमस वाटरफॉल पाया जाता है जिसे विक्टोरिया जलप्रपात कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? विक्टोरिया जलप्रपात कहा जाता है, विक्टोरिया जलप्रपात कहा जाता है। तो यहाँ आपको जो बात समझनी है कि विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? जैम्बेजी नदी पर। जैम्बेजी नदी जाम्बिया जिम्बाब्वे से होते हुए कहाँ पर जाकर गिरती है? मोजाम्बिक चैनल पे यहाँ पर जाकर गिरती है। जैम्बेजी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? करीबा बांध स्थित है। जैम्बेजी नदी पर कौन सा वाटरफॉल स्थित है? विश्व फेमस विक्टोरिया जलप्रपात। इसे स्थानीय भाषा में म्यूसोटोनिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे स्थानीय भाषा में? म्यूसोटोनिया भी कहा जाता है। म्यूसोटोनिया भी इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। इसे कहा जाता है बादलों का घर, जिसे गरजते हुए यानी एक प्रकार से जब उस जलप्रपात के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादलों के घर में पहुंच गए हैं। किस जलप्रपात को? विक्टोरिया जलप्रपात को। तो तीन नदियां हो गई, यानी कौन सी? ये हो गई हमारी कौन सी नदी? नील नदी। ये नदी कौन सी हो गई? कांगो या जायरे नदी। ये वाली नदी कौन सी हो गई? ये नदी हो गई जाम्बेजी नदी। और चौथी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? नाइजर नदी। तो नाइजर जो नदी है, इस नदी के बारे में आपको समझना है। यहाँ पर एक पर्वत है, इसका नाम है लोमा पर्वत, लोमा पर्वत या लूमा पर्वत। इस लोमा पर्वत फूटा जालों,
फूटा जालो भी उसे उसके पास एक स्थान है। लोमा पर्वत से जो नदी निकलती है इसे नाइजर नदी कहते हैं। नाइजर को पाम ऑयल रिवर भी कहा जाता है, तेल ताड़ की नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इस नाइजर नदी का प्रयोग जल परिवहन के रूप में भी किया जाता है। जो यहाँ के किसान हैं वो खजूर इत्यादि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करते हैं। प्लस इस नाइजर नदी के नीचे तेल के भी बड़े भंडार पाए जाते हैं, तेल के भी बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो ये जो नदी है, ये नदी कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है नाइजर नदी। इस नदी का नाम क्या है? नाइजर नदी। यहाँ पर जो नदी है, इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? इस नदी का नाम है नाइजर नदी। और ये नाइजर नदी कहाँ से निकलती है? ये है यहाँ पर लोमा पर्वत। लोमा पर्वत से ये नाइजर नदी निकलती है और ये नाइजर नदी गिनी की खाड़ी के पास जाके गिर जाती है। इसे क्या कहा जाता है नाइजर नदी को? नाइजर नदी को कहा जाता है पाम ऑयल रिवर, तेल ताड़ की नदी। क्या कहा जाता है? पाम ऑयल रिवर भी कहा जाता है नाइजर नदी को। और क्या कहा जाता है नाइजर नदी को? नाइजर नदी के बारे में ये कहा जाता है कि यह परिवहन के रूप में भी कार्य करती है और इस नदी की घाटियों में तेल के भी बड़े भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन से दो बांध स्थित हैं? एक तो है, जो है केंजी बांध, दूसरा जिब्बा बांध। केंजी बांध और जिब्बा बांध, केंजी बांध और जिब्बा जो बांध है वो नाइजर नदी पर स्थित है। केंजी डैम और जिब्बा डैम जो है वो नाइजर नदी पर स्थित है, नाइजर रिवर पर स्थित है। इतनी बात आपको समझनी है। तो कितनी नदियाँ हो गई? नील नदी हो गई, कांगो नदी हो गई, जैम्बेजी नदी हो गई, नाइजर नदी हो गई। इसी के पास एक नदी और बहती है जिसे सेनेगल रिवर कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं इसे? सेनेगल रिवर कहते हैं। तो ये सेनेगल जो है रिवर है। और अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका वाले पार्ट में, नेक्स्ट डायग्राम में। तो नेक्स्ट डायग्राम में दक्षिण अफ्रीका वाले पार्ट में चर्चा करते हैं। यानी यदि इस अफ्रीका महाद्वीप को देखा जाए तो इसके अन्य कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हो सकती हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक पर्वतमाला है जिसका नाम है ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला, ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला है। इसी ड्रेकेंस, ये सबसे दक्षिण में है ड्रेकेंसबर्ग। और यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला है? यहाँ पर जो पर्वतमाला है उसका नाम है एटलस पर्वतमाला। तो इस महाद्वीप में ज़्यादा पर्वतमाला नहीं है, ये एटलस पर्वतमाला है, ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला है। और यहाँ पर इस महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। तो इस माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप तंजानिया में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो। यह है एटलस पर्वतमाला, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट टोबोकल, माउंट टोबोकल, माउंट टोबोकल। ये जो है एटलस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एटलस पर्वतमाला। यह एक फोल्डेड माउंटेन है, मोड़दार पर्वतमाला। ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला है और इस ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला को ये सबसे दक्षिणी पर्वतमाला है इस अफ्रीका महाद्वीप की। बाकी ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये एक प्रकार से पठारी क्षेत्र है। पूरा महाद्वीप एक प्रकार से कैसा है? पठारी क्षेत्र है। और इस इथियोपिया के आसपास प्राचीन काल की चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो बाकी का ये जो पूरा महाद्वीप है पठारी क्षेत्र है, प्लेटू टाइप का है, ठीक है। और बस यही दो महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, यानी एटलस पर्वतमाला, ये कौन सी पर्वतमाला है? एटलस पर्वतमाला। और कौन सी? ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला, ठीक है। इसके अलावा इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो की जो ढलाने हैं वहां पर एक जनजाति पाई जाती है जो कहवा कॉफी इत्यादि यानी बागानी कृषि करती है, जिसे चग्गा जनजाति कहा जाता है। यहाँ पे कई प्रकार की ट्राइब्स भी पाई जाती हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला के पास से ही एक नदी निकलती है और इसी के पास एक घास के मैदान है जिसे बेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेल्ड। यहीं से एक नदी निकलती है, इस नदी को कहा जाता है लिम्पोपो रिवर। क्या कहा जाता है? लिम्पोपो रिवर। तो याद रखना, लिम्पोपो रिवर जो है ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला के पास से होते हुए जब ये आगे बढ़ती है तो मकर रेखा को दो बार काटती है। कौन सी रेखा को दो बार काटती है? मकर रेखा को। तो आपको याद रखना है लिम्पोपो जो रिवर है वह मकर रेखा को दो बार काटती है, जो कांगो या जायरे नदी है वह विषुवत रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। और भारत में कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एम से उसका आंसर है।
तीसरा आपको जो जवाब देना है, यानी अगली जो नदी है महत्वपूर्ण, यानी लिम्पोपो रिवर के बाद अगली महत्वपूर्ण नदी है ऑरेंज रिवर। तो ये जो ऑरेंज रिवर है ये इसी बेल्ट के हस्के मैदानों के नीचे ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला, यहाँ पर ये जो ऑरेंज रिवर है ये इस पर्वतमाला से निकलते हुए इस ये जो है हिंद महासागर की ओर, इस अटलांटिक महासागर दक्षिणी हिंद महासागर की ओर आके बहती है। तो ये जो ऑरेंज रिवर है, यहाँ पर जो ऑरेंज रिवर है, इस ऑरेंज रिवर के बारे में, यानी ये जो ऑरेंज रिवर है इसकी एक सहायक नदी है, इसे कहा जाता है बॉल, इसे कहा जाता है वॉल रिवर, VOL, क्या कहा जाता है, वॉल रिवर कहा जाता है, इसे कहा जाता है वॉल रिवर। तो आपको याद रखना है ऑरेंज की सहायक नदी वॉल में सोने के बहुत भंडार पाए जाते हैं, सोने के कण बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ऑरेंज की सहायक वॉल रिवर में सोने के बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो यहां हमने कौन सी दो नदियों के बारे में चर्चा की, एक तो लिम्पोपो रिवर जो मकर रेखा को दो बार काटती है, ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला और बेल्ट घास के मैदान, तो इन्हीं दो क्षेत्रों से ये नदियां निकलती हैं। कौन सी, एक तो ऑरेंज रिवर, दूसरी लिम्पोपो रिवर, ठीक है। इसी के ऊपर एक और नदी है क्यूनी नदी जो दो देशों की सीमा बनाती है, उसको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वॉल रिवर को याद रखना है। जोहान्सबर्ग किम्बरले, तो जो किम्बरले है उसे हीरो का नगर कहा जाता है, जोहान्सबर्ग यहां पर विट वाटर स्लैंड है, कौन सी पहाड़ी स्थित है इस जोहान्सबर्ग में, यहां पर जोहान्सबर्ग में जो पहाड़ी स्थित है विट वाटर स्लैंड, कौन सी पहाड़ी स्थित है, विट वाटर लैंड्स, यहां पर किसके भंडार पाए जाते हैं, सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो जोहान्सबर्ग को क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है, जोहान्सबर्ग को क्या कहा जाता है, इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, और किम्बरले को क्या कहा जाता है, किम्बरले को डायमंड सिटी कहा जाता है, हीरा नगरी कहा जाता है, डायमंड जो है वो नगरी कहा जाता है। भारत में डायमंड नगरी किसे कहा जाता है, आंसर दीजिए, क्या सूरत तो उसका आंसर नहीं है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, यानी ये सारी नदियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा करने का प्रयास किया, नील नदी, उसके बाद कांगो या जायरे नदी, उसके बाद नाइजर, उसके बाद जेम्बेजी नदी, उसके बाद नाइजर नदी, उसके बाद लिम्पोपो नदी, उसके बाद ऑरेंज नदी, ऑरेंज की सहायक वॉल नदी, कसाई किसकी सहायक नदी थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसके बाद अबाकांगो नदी, ठीक है, ओकोबांगो, ये कालाहारी मरुस्थल में बहने वाली ये नदी है, तो यहाँ पर इस नदी को भी याद रखेंगे जिसका नाम है ओकाबांगो नदी। कौन सी नदी है, ओकाबांगो नदी, ये है ओकाबांगो नदी, ओकाबांगो नदी, ये ओकाबांगो है, एक यहाँ पे ओकासांगो भी है, ठीक है, लेकिन मैं कालाहारी मरुस्थल वाली नदी की बात कर रहा हूँ जो मरुस्थल में जाके लुप्त हो जाती है, जैसे भारत की एक प्रकार से लूनी नदी है, तो ओकाबांगो नदी जो है कालाहारी मरुस्थल में जाके विलुप्त हो जाती है। अब आते हैं इसकी कुछ जलवायु के बारे में बात करते हैं, तो बस सिंपल सिंपल सी जलवायु है, लास्ट के कुछ जो है समय में इसकी जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं। तो जलवायु में कौन सी महत्वपूर्ण बात है हम देखने का प्रयास करते हैं, इसको दोबारा से इस डायग्राम को बना भी लेते हैं। जलवायु में तो यदि हम इसकी महाद्वीप की कुछ जलवायु की बात करें, तो महाद्वीप की जलवायु भी जो है एक प्रकार से विशेष जलवायु पाई जाती है, क्योंकि कहीं तो मरुस्थल है तो कहीं जो है वर्षा वन है, तो निश्चित रूप से जलवायु में भी विविधताएं पाई जाएंगी। तो देखते हैं भाई जलवायु जो है कौन किस प्रकार की जो है इसमें जलवायु पाई जाती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर ये कौन सा क्षेत्र है, मरुस्थल, ये कैसा क्षेत्र है, इसको कहा मरुस्थली क्षेत्र, सहारा मरुस्थल है, यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, ईस्टर्न डेजर्ट है, यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, इसके बाद सहारा मरुस्थल के नीचे क्या है, तो यहाँ पर जो है सवाना घास के मैदान, यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, सवाना, सवाना के बाद यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं वर्षा वन, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं वर्षा वन, कांगो जारे नदी के आसपास, फिर इसके नीचे फिर क्या पाया जाता है, तो फिर पाया जाता है सवाना, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ क्या पाया जाता है, तो यहाँ पाया जाता है सवाना के नीचे वेल्ड घास के मैदान, कौन से घास के मैदान, वेल्ड घास के मैदान, फिर यहाँ इसके ऊपर क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है फिर कालाहारी मरुस्थल है, नामिब मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल, तो इसे कहा कालाहारी मरुस्थल। तो ये जलवायु को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि देखिए यहाँ पर भी मरुस्थल और यहाँ पे भी मरुस्थल, ये भी मरुस्थल, ठीक है, यहाँ पे भी मरुस्थल, यहाँ पे भी डेजर्ट, यहाँ पर कौन सी, सवाना, सवाना जलवायु की क्या विशेषता है, AWAS,
समाना जलवायु की विशेषता है AWAS, यानी इसका मतलब क्या होगा AWAS का, यानी विंटर जो है वो ड्राई रहेगा, ग्रीष्म ऋतु भी शुष्क रहेगी, 30 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच में समाना जलवायु पाई जाती है। तो यहां पर एक देश है सूडान, तो सूडान से सूडान तुल्य बन गई वो जलवायु समाना, यानी यहां पर क्या पाए जाएंगे शुष्कतम, यानी यहां पर घास के मैदान पाए जाएंगे, यहां पर जो है घास के मैदान पाए जाएंगे बड़े बड़े, और इन घास के मैदान में निश्चित रूप से जहां घास के मैदान होंगे वहां क्या होंगे कैटल होंगे, जहां कैटल होंगे वहां पर क्या होगा कई प्रकार की ट्राइब्स पाई जाएंगी, और फिर यहां पर यदि कुछ अच्छी पोषक तत्वों से भरी जो है घास होगी तो फिर वहां पर कौन सा उद्योग विकसित हो जाएगा, या तो जो है मिल्क खाद जिसे हम कहते हैं डेयरी उद्योग विकसित हो जाएगा, या फिर मांस जो है प्रसंस्करण उद्योग विकसित हो जाएगा। तो सवाना जलवायु की बात की मैंने आपसे, 30 से 50 डिग्री अक्षांश के बीच में AS AW प्रकार की जलवायु, ठीक है, विंटर और जिसे हमने क्या कहा समर, ठीक है, तो विंटर ड्राई है इस प्रकार से। लेकिन यदि इस जलवायु की बात की जाए, यानी यहां पर जो जलवायु पाई जाती है केप टाउन और इसके पास, इस जलवायु की बात की जाए तो यह भूमध्य सागरीय जलवायु, थोड़ी देर पहले मैंने इसकी चर्चा आपसे की भी थी, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु इसे कहा जाता है। इसकी क्या विशेषता होती है, ये जो केप टाउन और इसके आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती है, इसकी विशेषता होती है विंटर जो है ड्राई समर रेनी, और विश्व की सबसे अच्छी जलवायु में से भी इसको एक जलवायु माना जाता है। तो यहां पर वर्षावन हो गए, इस वर्षावन में कौन सी जनजाति पाई जाती है पिग्मी, कौन सी जनजाति पाई जाती है पिग्मी विश्व की सबसे छोटी जनजाति है, सबसे कम कद की जनजाति है, और पिग्मी जनजाति जब वर्षावन में पाई जाएगी तो वर्षा ज्यादा होगी, नीचे जो है जल भरा होगा तो ये कहां रहने का प्रयास करेगी ऊपर यानी पेड़ पर, तो पेड़ पर क्या करेगी बांस के जो है एक स्ट्रक्चर बनाएगी, तो बड़े ही अच्छे सुंदर मकान बनाकर रहती है पिग्मी जनजाति, ठीक है। यहीं पर जो है नाइजीरिया, यहां पर पाई जाती है आपकी जनजाति जो है फूला और फुलैनी, कौन सी जनजाति पाई जाती है फूला और फुलैनी ये जो जनजाति पाई जाती है ये कहां पर पाई जाती है नाइजीरिया में, फूला और फुलैनी नाइजीरिया में। होसा जनजाति कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाएगी आपकी सूडान के पास। इसी के और ऊपर जाएंगे तो यहां कौन सी जलवायु पाई जाती है, यानी ये मोरक्को अल्जीरिया ये ट्यूनिशिया यहां पर पाई जाती है बर्बर जनजाति। बर्बर का नाम सुना होगा आपने, ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कहा ये सब बर्बर है, इन्होंने कहा 1857 की क्रांति में ये बर्बरता और सभ्यता के बीच की लड़ाई थी, ये शब्द यदि आपने सुना हो तो वो बर्बर शब्द कहां से आया, बर्बर शब्द यहीं से आया, बारबेरियन यानी नाना इत्यादि कुछ भी जो है चीजें जो है वो समय जो कुछ भी है, यानी बर्बर क्यों कहा जाता है वो अंग्रेजी जाने, बर्बर के नीचे जो जनजाति रहती है उसे कहा जाता है बद्दू, कौन सी जनजाति कहा जाता है बद्दू के नीचे यहां पर जो जनजाति जाती है उसे कहा जाता है फूला और फुलैनी। इसी के पास यहां पर जो जनजाति पाई जाती है हूसा, और नीचे जाएंगी तो कौन सी जनजाति पिग्मी जनजाति। यहां पर केन्या के पास जो जनजाति पाई जाती है मसाई मारा जनजाति पाई जाती है, और नीचे जाएंगे तो कालाहारी में कौन सी जनजाति पाई जाती है बुशमैन जनजाति पाई जाती है, और कौन सी जनजाति पाई जाती है होटेंटार्ड जनजाति पाई जाती है, और कौन सी जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में तो जुलू जनजाति पाई जाती है जुलू जनजाति फूला जनजाति फुलैनी जनजाति हूसा जनजाति बर्बर जनजाति बद्दू जनजाति होटेंटार्ड जनजाति ये, और इसी प्रकार किलिमंजारो की ढलान पर जो जनजाति पाई जाती है उसे चग्गा जनजाति कहा जाता है। ये कुछ इस महाद्वीप की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं प्लस मसाई जनजाति जो आपको याद रखना है। जलवायु की यदि बात की जाए तो 13 देशों में ये सहारा मरुस्थल फैला हुआ है, रेगिस्तान का जहाज ऊंट कहा जाता है ये सहारा मरुस्थल। आप कभी यकीन इस बात पे आप कभी विश्वास करेंगे कि कभी यहां पर जो है एक प्रकार से हरे भरे जहां वन हुआ करते थे, कभी यहां पर जो है पानी भरा हुआ करता था, इसके थ्योरी के बारे में भी कभी बाद में, आज यहां पर कई प्रकार के नमक के मैदान भी स्थित हैं। सहारा मरुस्थल के नीचे सवाना जलवायु, सवाना के नीचे जो है वर्षावन के नीचे फिर सवाना जलवायु, फिर इसके नीचे कालाहारी मरुस्थल, फिर जो है बेल्ट घास के मैदान, और फिर भूमध्य सागरी जलवायु। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इस महाद्वीप के बारे में, यानी हमने जो
एक प्रकार से जलवायु के बारे में समझा, खनिजों के बारे में समझा, खनिजों में किम्बरले, जोहान्सबर्ग, इसी प्रकार जो है एंट जो है आपका नामीबिया, बोस्वाना, हीरा, इसी प्रकार क्रोमियम, 90% से ज़्यादा क्रोमियम के भंडार अफ्रीका महाद्वीप पाए जाते हैं, इसी प्रकार कटंगा का पहाड़ बहुत ज़्यादा मिनरल रिच है, इसी प्रकार जो है कुछ और खाद्यान्न के बारे में बात की तो सेसल नाम का पौधा पाया जाता है जहाँ पर जूट की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है, केन्या जो है वो चाय के उत्पादन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखता है, इसी प्रकार यहाँ पे कोको का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, कॉफ़ी का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, ट्यूनेशिया रसदार फलों के लिए विख्यात है। तो इस प्रकार से जो है कुछ इस महाद्वीप के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया। यहाँ पर कुछ द्वीप भी पाए जाते हैं, जैसे एक सेंट हेलेना द्वीप है, नेपोलियन के बारे में कहीं ना कहीं ये सेंट हेलेना द्वीप जो है यहाँ पर उनको भगा दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था, और यहाँ पर केप वर्डे द्वीप स्थित है, तो केप वर्डे इसको भी याद रखेंगे, सेंट हेलेना को, और साउथ तोसे जहाँ से विषुवत रेखा निकलती है, ठीक है। तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक, इससे निकलती है मकर रेखा, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक से मकर रेखा निकलती है, फिर साउथ टोमे, फिर उसके बाद कांगो रिपब्लिक, कांगो, युगांडा, केन्या, तंजानिया, सोमालिया, यहां से कौन सी रेखा निकलती है, विषुवत रेखा निकलती है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार कर्क रेखा, इस सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, तो मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं, और इसके बाद इस महाद्वीप में कुछ और चीज़ें, जैसे ट्रांस अफ्रीकन रेल मार्ग है, यहाँ पर बेंगोला से लेकर दरे सलाम तक ट्रांस अफ्रीकन रेल मार्ग जाता है। ठीक इसी प्रकार केपटाउन से लेकर काहिरा तक ये भी एक रेल मार्ग जाता है, तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी मुझे लगता है पर्याप्त बातें इस महाद्वीप में हो चुकी हैं, और फिर हम लोग आएंगे इसमें और कुछ महत्वपूर्ण प्लेटों से संबंधित थ्योरी, कुछ और डिटेल में कुछ बातों को लेकर। तो आज के लिए लगभग चीज़ें काफ़ी हो चुकी हैं, और मुझे लगता है कि आज की क्लास को यहीं विश्राम दिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग इस महाद्वीप को कंक्लूड करते हैं, जिसमें हम लोगों ने आपको सबसे पहले एटलस पढ़ाने का तरीका बताने का प्रयास किया कि हमको किसी भी महाद्वीप को पढ़ना कैसे है एटलस के माध्यम से। तो सबसे पहले वाटर बॉडीज़ की चर्चा की थी, वाटर बॉडीज से पहले वो महाद्वीप अन्य महाद्वीप से कैसे अलग होता है, जिब्राल्टर जल संधि, बाबल मंदेव संधि, जल संधि, मोजाम्बिक चैनल, और फिर जो है सारे जितने भी देश थे उन सब के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया, फिर सबकी राजधानियों के बारे में, फिर उनके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है अन्य देशों की जो है भौगोलिक विशेषताओं के बाद, फिर जो है हमने नदियां, पठार, पहाड़ इत्यादि पढ़ने का प्रयास किया। तो आज की क्लास को फिर यहीं विश्राम कर देते हैं, मिलते हैं एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।